And today I am going to tell you about electron transport chain and oxidative phosphorylation that is coupled with this process. Okay, so Krebs cycle के intermediates हमने कहा था इन्हें DH बना था, अभी DH2 बना था. इन दोनों ने अपने electrons जो हैं वो donate करने हैं, जो कि different electron carrier से pass करेंगे. जिस process में free energy produce होगी and ultimately उसे हम ATP प्रोड्यूस करवा लेंगे. ठीक है, ज़्यादातर जो फ्री एनर्जी होती है उसे ATP प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो रह जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो जाती है या फिर हीट की प्रोडक्शन के लिए. अब जो ATP प्रोडक्शन होती है फ्री एनर्जी के जरिए, दैट इज दिस प्रोसेस नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, फिर हम ETC से स्टार्ट करेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे में मेम्ब्रेन्स होती है, मैट्रिक्स होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन की बात करें, दिस आउटर मेम्ब्रेन, दिस इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मॉलर आयंस के लिए परमिएबल होती है. ठीक है, और जो इनर होती है मेम्ब्रेन वो इम्परमिएबल होती है हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, इन सब चीज़ों के लिए. मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, उसमें 50% प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स होते हैं, और मैट्रिक्स में ही हमारे इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं फॉर सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, TCA, ग्लूकोज, यूरिया, हीम के सिंथेसिस. ठीक है, फिर DNAD वगैरह, और माइटोकॉन्ड्रियल RNA DNA भी प्रेजेंट होता है. अब कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5. जो पहले 4 होते हैं आपने याद रखना ETC का पार्ट है, जबकि जो पांचवा है जिसको हम ATP सिंथेस कहते हैं, इसने ATP बनानी होती है. जो पांचवा है ना कॉम्प्लेक्स के 2 डोमेन्स होते हैं, कि एफ नॉट होता है, एफ वन होता है. एफ नॉट जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में स्पैन कर रहा होता है. ठीक है, और जो एफ वन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोट्रूड भी कर रहा होता है. अब हम कॉम्प्लेक्सेस की अगर बात करें, सो कॉम्प्लेक्सेस देर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस और 2 बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिनको हम देखेंगे. देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पास कर जाते हैं, और अल्टीमेटली आखिर में ऑक्सीजन से हम वाटर किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है, सो पहले मैं आपको जनरली कॉम्प्लेक्सेस का बता दें, फिर पूरा प्रोसेस मैं आपको बुक से बताती हूँ. NADH डीहाइड्रोजनेज पहला कॉम्प्लेक्स है, जिसमें FMN भी होता है और FES भी होती है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज, जिसमें FAD भी है और FES भी है. इसके अलावा आपके पास जो है, हमारे पास ये मोबाइल कैरियर्स 2 होते हैं, एक ये है और एक ये कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू H2, ये मोबाइल कैरियर, ये साइटोक्रोम C है. ठीक है, तो ये हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, थर्ड या साइटोक्रोम BC, इसको हम BC1 कहते हैं. ठीक है, इसमें FES होता है और साइटोक्रोम B भी है, C1 भी, तो कम्बाइन इसको साइटोक्रोम BC1 कहा जाता है. इसमें साइटोक्रोम A है. ठीक है, इसके अलावा जो है ये कॉपर कंटेनिंग होता है, इसको साइटोक्रोम A और A3 इसमें होता है, साइटोक्रोम, इसको ऑक्सीडेज भी हम कहते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं पूरा प्रोसेस ये किस तरह इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते जाएंगे, अल्टीमेटली आखिर में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी. तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास NADH डीहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है, NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD के अंदर, उसने हाइड्रोजन दे देता है FMN को. ठीक है, FMN को देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 के अंदर, और यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है कि FADH2 FAD के अंदर कन्वर्ट हो रहा है दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर. ठीक है, जब हमारे पास सक्सीनेट जो है साथ ही फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये वाला उल्टा प्रोसेस किया जाए. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो FMNH2 FMN के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ज़ाहिर है अपने हाइड्रोजन किसी और को दे देगा और इलेक्ट्रॉन्स भी. ठीक है, और इसी तरह FADH2 FAD में कन्वर्ट होगा तो भी वो भी ये काम करेगा. तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकते हैं कोएंजाइम क्यू, जो मोबाइल कैरियर है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम क्यू H2 में. इसी तरह वो आगे ट्रांसफ़र करेगा Fe+3 को, वो कन्वर्ट होगा Fe+2 में. ठीक है, आपने याद रखें कि +3 से +2 ये रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो है डिक्रीज़ हो रही है. जहाँ जहाँ डिक्रीज़ होगी इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन हुई. ठीक है, और यहाँ पे फिर रिडक्शन हुई, फिर ऑक्सीडेशन हुई, एंड अगेन यहाँ पे रिडक्शन हुई, फिर ऑक्सीडेशन हुई. ठीक है, तो यही प्रोसेस यहाँ पे इनमें चलता रहेगा. ये साइटोक्रोम सी होता है, बीच में मोबाइल कैरियर, ये दूसरा मोबाइल कैरियर है. आखिर में जब ऑक्सीडेशन होती है कि +2 वाला +3 में कन्वर्ट होता है, तो जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन लॉस हुआ होता है इस प्रोसेस के अंदर, वो ऑक्सीजन रिसीव कर लेते हैं. अल्टीमेटली ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर के अंदर. तो ये पूरा हमारे पास प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इस तरह वर्क करती है. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें जो है वो कुछ एनर्जी मिलती है. अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन स्टेप्स को अगर हम दोबारा रिवाइज कर लें, तो फॉर्मेशन ऑफ NADH. ठीक है, NADH ने NAD लूज़ किया था और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे FMN को, FMN कन्वर्ट हो गया था FMNH2 के अंदर. फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज था. ठीक है, सक्सीनेट को फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट करा था, FAD को FADH2 के अंदर कन्वर्ट करा था, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे थे कोएंजाइम क्यू को. ठीक है, कोएंजाइम क्यू जो है इसे यूबिक्विनोन भी कहते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि क्विनोन डेरिवेटिव होता है और हाइड्रोफोबिक इसकी बड़ी सी आइसोप्रिनोइड टेल होती है.
और ये एक्सेप्ट कर सकता है हाइड्रोजन को फ्रॉम FMN H2 एंड FADH2, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो कोएंजाइम क्यू का ये काम है कि फ्लेवोप्रोटीन को साइटोक्रोम से लिंक कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 हैं ये फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, जबकि आगे दोनों साइटोक्रोम है, तो इसका मतलब इन दोनों को लिंक कर रहा है बिकॉज बीच में प्रेजेंट है। साइटोक्रोम्स की हम बात करें तो उसमें Fe+2-3 में कन्वर्ट हो रहा है, यही इंटर कन्वर्जन चल रही है, ठीक है। और इसी तरह BC1 आपके पास थर्ड कॉम्प्लेक्स है, AA3 कॉम्प्लेक्स 4 है जो कॉपर कंटेनिंग है, और उसमें ही आपके पास क्या होगा कि एंड में ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिक साइट इनहिबिटर्स, ठीक है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो पूरा स्टेप हो रहा है इसमें किधर किधर जो है वो कौन इनहिबिट कर सकता है प्रोसेस को। ये प्रोसेस है ना, ठीक है, कि NADH कन्वर्ट हुआ था, NAD के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे FMN को, FMN ने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे कोएंजाइम Q को, कोएंजाइम Q जो है उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे BC1 को, उसने C को दे दिए थे, AA3 को दे दिए थे, ठीक है, और अल्टीमेटली इसने जो है वो दे दिए थे ऑक्सीजन को ताकि वो वाटर बना सके, ठीक है। अब ये जो पूरा हमारे पास प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर कोई डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिट करती हैं इन प्रोसेस को, तो जाहिर है आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते और उसके रिजल्ट में ATP प्रोडक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक ड्रग है दैट इज़ नोन एज अमाइटल रोटिनॉन। ये क्या करता है, इस प्रोसेस पे इनहिबिट कर देता है कि FMN से इलेक्ट्रॉन्स को एंजाइम क्यू तक नहीं जा सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइनली आपका ATP नहीं बन सकेगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, BC1 से जब C में हम ट्रांसफ़र कर रहे थे तो तब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र को इनहिबिट कर सकता है एंटीमाइसिन ए, ठीक है। और जो लास्ट वाला आपके पास स्टेप था उसके अंदर साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एजाइड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये लिखे हैं कि अगर ऑक्सीजन की रिडक्शन पूरी नहीं होती, ठीक है, इनकम्प्लीट रिडक्शन होती है, तो उसके नतीजे में वो वाटर में नहीं कन्वर्ट होगा बल्कि कुछ और सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक O2 नेगेटिव हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर नॉन एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, दीज आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, और ये बहुत डेंजरस होती हैं बॉडी के लिए बिकॉज ये DNA को डैमेज करती हैं, प्रोटीन्स को, और लिपिड की परऑक्सीडेशन करवाती हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैटलेज, ठीक है, ग्लूटाथायोन, परऑक्सीडेज, ये जो चीज़ें हैं ये इसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, उसमें ये कि जो हमने इस तरह एनर्जी जनरेट की है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो इसकी वजह से एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है इसको हम यूज़ करते हैं आगे ATP प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अभी इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि हाइड्रोजन को हम पंप कर सकें इनटू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। जब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर इतने हाइड्रोजन हो जाते हैं कि एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है और उधर से मैट्रिक्स में वापस हाइड्रोजन आते हैं, तो अल्टीमेटली तब ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। रिडॉक्स पेयर की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमेशा दो पेयर्स की फॉर्म में हमने बात की है कि एक ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो जाहिर बात है किसी ने एक्सेप्ट भी किए होंगे, जैसे NADH है उसने लूज़ किए थे, NAD बना था तो FMN को दे दिए थे, FMNH2 कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो अगर इन दोनों रिएक्शंस को, ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूँ तो इसके लिए आपके पास E0 होता है -0.32 वोल्ट, और दूसरे रिएक्शन के लिए होता है -0.22 वोल्ट, ठीक है। अब ये होता है कि जिसका जितना नेगेटिव E0 है ना उसमें उतनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। तो E0 इसके E0 को कंपेयर करें तो -0.32, इसका मतलब इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है NADH की कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, अल्टीमेटली वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सो देयर इज़ अ फॉर्मूला, अगर हम एक रिएक्शन के अंदर फ्री एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज़ ΔG=NF ΔE0, ठीक है। डेल्टा जी चेंज है आपके एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ फैराडे कॉन्स्टेंट, डेल्टा ई क्या है, E0 ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है उसका E0 -E0 ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पेयर, ठीक है। और ये जो पूरी एनर्जी अगर हम NADH से कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन तक, तो 52.58 किलो कैलोरीज एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह,